स्वागत है कार्लक्स रिव्यू की एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी नई अर्टिगा की। ये मारुति सुजुकी अर्टिगा जो कि चीजें एड ऑन कराई है और पुरानी और नई अर्टिगा में क्या चेंजेस हैं वो भी हम बात करेंगे, उसके लिए भी एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाड़ी की लेंथ विथ हाइट की, तो अगर लेंथ की बात करेंगे गाइस तो 4395 mm की लेंथ भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे बात करेंगे गाड़ी की विड्थ की तो 1735 mm की विड्थ देखने को मिल जाएगी, जो कि एक आप देख सकते हैं एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छा है। मतलब अपना एक जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में काफी अच्छी विड्थ दे रखी है। अगर कंपेयर करोगे आप अदर सेगमेंट से तो इतने विड्थ के साथ आपको पूरी एक प्रॉपर एसयूवी गाड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बात करेंगे गाड़ी की हाइट की तो हाइट भी अपने कंपटीशन में 1690 mm की काफी सफिशेंट हाइट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गाड़ी की फ्रंट लुक की। आप फ्रंट लुक से देख सकते हैं जो ये नई वाली अर्टिगा आई है उसमें थोड़ा सा क्रोम लाइन पे चेंज किया है ग्रिल में, लेकिन जो मॉडिफाई करा रखी है आप देख सकते हैं कि पूरा आपको इस जो BXI मॉडल है इसमें कोई भी प्रोजेक्टर नहीं आता था। नॉर्मल 3D हेडलैम्प देखने को मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है विद क्रोम के साथ। और यहीं पर अगर बात करेंगे गाड़ी के फॉग लैम्प की तो फॉग लैम्प नहीं आते हैं अर्टिगा के BXI मॉडल में, लेकिन यहाँ पे जो पूरा मॉडिफाई करा रखा है आप देख सकते हैं कि LED फॉग लैम्प्स के साथ, जो कि आपको DRL का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि लुक एक अच्छा दे रहा है, कि मतलब बल्की लुक प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब सारी साइड से गाड़ी को पूरा मॉडिफाई करा रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं अलॉय भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि अलॉय इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पे अलॉय भी देखने को मिल जा रहे हैं। काफी अच्छे ढंग से मॉडिफाई कर दिया गाइस, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरा डोर बाइजर लगा के प्रोजेक्ट हेडलैम्प भी पूरी मॉडिफाइड और अलॉय भी काफी मैच कर रहे हैं इसमें। तो भैया मॉडिफिकेशन हो तो ऐसा, और पूरी मॉडिफिकेशन की बात करेंगे हम इसमें। देख सकते हैं जो कि LED में आपको बता रहा था DRL नहीं है, लेकिन LED काफी अच्छी DRL से लगा रखी है, जो कि आपको नॉर्मली ऑरेंज टाइप देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम लेके चलते हैं गाड़ी के बैक स्पेस की ओर कि बैक लुक कैसा रहने वाला है और बैक में बूट है कैसा दिख रहा है, क्या CNG टैंक लगा रखा है। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं बैक लुक भी काफी अच्छा, और यहाँ से CNG की लोगो पूरा आपको बैजिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जिस तरीके से हम बात करते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं लाइटों का डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया, जो कि है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्रोम सारा देखने को मिल जाएगा, सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जो कि गाड़ी पूरी एक ढंग से मॉडिफाई बल्कि बना रखी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको रिफ्लेक्टर नीचे से दिया गया, ये पूरा नॉर्मल 3D लैंप दे रखी है पूछे पीछे बैक से। गाइज ये रहा गाड़ी का कुछ पीछे का बैक लुक, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी मॉडिफाई करा रखी है, बेस टू पूरा सब कुछ लगा रखा है, यहाँ से पूरा बूट स्पेस खत्म कर दिया है। लेकिन म्यूजिक सिस्टम सारे मॉडिफिकेशन अच्छे किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कि सब कुछ यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, कैसा डैशबोर्ड है, क्या क्या चीजें लगा रखी है। तो गाइस चलते हैं एक बार गाड़ी के, गाइस देख लेते हैं गाड़ी का एक पास कि CNG टैंक कहाँ पे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये CNG टैंक रखा है, जो कि 10 से 12 लीटर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूट स्पेस की अगर बात करेंगे तो बूट स्पेस भी नॉर्मली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा। और यहाँ पे ब्लू पंखा आपको बेस ट्यूब भी लगा रखा है कस्टमर ने, मतलब पूरा ढंग से अच्छा खासा पैसा लगा रखा है इस गाड़ी में। तो चलते हैं एक बार गाड़ी के इंटीरियर की ओर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की तो BXI मॉडल में आप देखते हैं कि नॉर्मली इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे पूरा इंटीरियर आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि अर्टिगा के किसी भी मॉडल में ऐसा नहीं आता था। तो कस्टमर ने पूरा मॉडिफाई कर रखा है। तो एक बार देख लेते हैं गाड़ी के अंदर से कि कैसा देखने को मिल जा रहा है। तो भैया आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा ये क्रोम के साथ सजा रखा है, जो कि क्रोम में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को आपको मिलता था। आप देख सकते हैं कि AC के वेंटिलेटेड यहाँ पे कैसे अलग ही थोड़ा सा डिजाइन दिया गया है, मतलब एक बल्की गाड़ी बना रखी है पूरी। यहाँ से देख सकते हैं स्टैंड पे ऑडोमेट कंट्रोल, पूरा मीटर डिजिटल, यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइक के पूरे ऑप्शन यहाँ पे लगा दिए गए, जो कि काफी अच्छा डैशबोर्ड दिख रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा लेदराइड स्टेयरिंग, मतलब एक पूरी शौकीन गाड़ी बना दी है, जो कि भैया इतना पैसा लगाने का। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे टच डिस्प्ले का भी ऑप्शन कस्टमर कस्टमाइज करा रखा है यहाँ से। नॉर्मली वैसे ये सारा कुछ दे रखा होता है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक कैमरे की भी डिस्प्ले दे रखी है, जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं गाड़ी की। तो गाइस सबसे पहले चेक करते हैं कि गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा है इतना बड़ा। ट्यूटर आप देख सकते हैं, आपको पाइनियर के ट्यूटर, आप ब्लू पंखे आपने देखी, आप यहाँ पे आप पंखा सब बूफर। तो चढ़ते हैं एक बार म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हैं 2D की डिस्प्ले है। तो चेक करते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपने मैच चलाए।
डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। तो गाइज ये आपने देखा कि गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम कितना एकदम खतरनाक बना रखा है, बेस वगैरह सब कुछ, मतलब फील आएगा यार कि हाँ कि गाड़ी में पैसा लगाया है सामने से कि काफी अच्छा। आप देख सकते हैं फ्लोरिंग मैटिंग और आपको ये सीट कवर सब कुछ। तो गाइज जो मैं आपको बोल रहा था कि ये डिस्प्ले आपको मतलब कोई भी नहीं डिस्प्ले नहीं लगाई है, नॉर्मली डिस्प्ले ये साथ में ही आती थी। बाकी फ्लोरिंग वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3D मैट्स काफी अच्छा पूरा कॉम्बिनेशन बना रखा है एसी वगैरह ब्लॉड का। और सबसे अच्छा मैं आपको यहाँ से तो दिखाना चाहूंगा, एक साइड से डिस्प्ले लगा रखी है जो कि नॉर्मली आपको यहाँ से कैमरा लगा रखा है जो कि पूरा बैक का दिखाएगा आपको सारी चीज और काफी अच्छी क्लियरिटी। तो ये सब पूरा मॉडिफाई करा रखा है गाड़ी में अर्टिगा CNG में जो कि काफी अच्छा दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे एक बार देख लेते हैं गाड़ी का बैक स्पेस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गाड़ी का बैक स्पेस कि कैसा बैक स्पेस है, कि बैक स्पेस भी काफी अच्छा है 7 सीटर के साथ साथ बैक स्पेस काफी अच्छा दे रखा है। यहाँ से आप सीट कवर देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम अच्छे खासे सीट कवर लगा रखे हैं। यहाँ से मैं बैठ के भी देखता हूँ कि यार क्या मतलब कंफर्ट भी अच्छा है, थाई रूम भी काफी अच्छा। और बैक से ही यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, पीछे से थोड़ा सा स्पेस कम मिलने वाला है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 सीटर गाड़ी में अच्छा खासा बैक स्पेस। और आप यहाँ से डैशबोर्ड भी देख सकते हैं कि प्यारा सा डैशबोर्ड है। और AC के बैंड्स आपको यहाँ पे जगह जगह ये सारे देखने को मिल जाएंगे, हैंडल्स के साथ AC के बैंड ये सारी चीजें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज ये है अर्टिगा पूरी मॉडिफाइड जो कि कस्टमर ने करा रखी है। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ मैं उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जिन लोगों को बाहर से मॉडिफिकेशन अच्छा लगता है या जो मॉडिफिकेशन गाड़ी में कराना चाहते हैं। बाकी नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कस्टमर इतना भी करा रखा है, ये लाइट जो है पूरी आपको दिन में नहीं दिख पा रही है लेकिन पूरी आपको LED लाइट यहाँ से लगा रखी है जो कि कंपनी फिटेड नहीं आती। तो गाइज ये सारी चीजें आप इसमें करा सकते हैं जो कि कम्प्लीटली मॉडिफाई करा रखा है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी बम्ब गाड़ी बना रखी है, मतलब एकदम से पूरी बूम गाड़ी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको जैसा कि पूरा दिखाया था आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये काफी अच्छा लुक आ रहा है। तो गाइज ये सारी चीजें आप इसमें अपने हिसाब से करा सकते हो। और सबसे मेन चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नई वाली और पुरानी वाली अर्टिगा में कोई भी मेजर ऐसा चेंजेस, कोई खास चेंजेस नहीं है कि जिससे आप सोचो यार कि मैं पुरानी वाली है बेच के नई वाली ले लूं, ऐसा कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ग्रिल का चेंजेस किया है तो और कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडिफाई कराया पूरा फ्रंट लुक आप देख सकते हैं जो कि पूरा फ्रंट लुक ढंग से मॉडिफाई करा रखा है। HID जिन्होंने प्रोजेक्ट हेडलैम्प लगा रखे हैं जो कि कंपनी फिटेड ही आते थे आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉग लैंप भी LED आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड पे आपको। ये सारे मॉडिफिकेशन काफी अच्छे ढंग से करा रखे गाइस। तो गाड़ी में पैसा लगाओ तो ऐसा कि मतलब देख के भी खुश हो जाओ, जो कि ऑनरशिप भी बोलते हैं कि यार गाड़ी हो तो ऐसी जिसका माइलेज अगर देखेंगे आप 26 का कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज जो कि CNG पे, तो काफी अच्छा माइलेज भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे मतलब सभी लोगों को ये गाड़ी पसंद आती है कि कोई भी एक बंदा 7 सीटर गाड़ी अगर अफोर्ड कर रहा है तो इस प्राइस रेंज में भी काफी अच्छी और माइलेज वगैरह सब कुछ आपको इंजन वगैरह सब अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये थी आपकी पुराने वाली अर्टिगा CNG BXi मॉडल जिसका हमने मॉडिफिकेशन कंप्लीट रिव्यू कर लिया है। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।